नमस्कार नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की एक सूची जारी की गई है। आइए जानते हैं किन किन जिलों में कितने मरीज पाए गए। बात करें अररिया की तो 6, अरवल में 9, औरंगाबाद में 10, बांका में 5, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 8, भोजपुर में 3, बक्सर में 2, दरभंगा में 33, ईस्ट चंपारण में 6, गया में 3, गोपालगंज में 1, कैमूर में 9, कटिहार में 3, खगड़िया में 4, लखीसराय में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 12, नालंदा में 3, नवादा में 3, पटना में 149, पूर्णिया में 4, रोहतास में 3, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 5, सारण में 14, सिवान में 5, सुपौल में 3, वैशाली में 5, वेस्ट चंपारण में 2। तो ये थे बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है। जो कुल संख्या है वो 346 बताई गई है। वहीं एक अच्छी सूचना भी है जो आपको खुश कर सकती है, वो ये है कि कल से बिहार में टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के IGIMS में स्टार्ट होगा। आपको बता दें कि जो पहला टीका है वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जिसमें हेल्थ वर्कर और एम्बुलेंस के ड्राइवर होंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।